हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज हो चुका है रमजान में बोल, लेकिन आज के दिन की खास अहमियत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल, और जिस तरह से हमने सहरी में भी उन्हीं के हवाले से बात की थी और आज इफ्तार में भी आलिम के बोल में हम खुसूसी तौर पर सिर्फ और सिर्फ सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र करेंगे ताकि हम और ज़्यादा बरकतें समेट सकें। उनकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं, ऐसी वफाशारी, इतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर मोमिनीन की माँ, तो इसीलिए हमने चाहा कि इफ्तार में भी उन्हीं का जिक्र हो। तो आलिम के बोल का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान हमारे साथ हैं, उनसे आज ख़ास तौर पर वजीफ़ा भी सईदा खदीजतुल कुबरा की नस्बत से कि बच्चियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से लोग परेशान होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद अब्बास वज़ीरी साहब, उनसे भी बात करेंगे, और जनाब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, और हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, इनको भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज आगाज़ जो है वो हमने करना है मोहम्मद अली शाह साहब से। मोहम्मद अली शाह साहब, सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से फरमाइए। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله آج مفتی صاحب کے آنے سے ہمارے پینل میں اور جان آ گئی ما شاء الله مفتی عابد مبارک صاحب سیدہ کی بارگاہ میں دو اشعار اور پھر میں عرض کرتا ہوں کرم نما ہے تیری ذات خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ کرم نما ہے تیری ذات خدیجۃ الکبریٰ ملے فقیر کو خیرات خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ ملے فقیر کو خیرات خدیجۃ الکبریٰ बस एक चश्मे इनायात खदीजतुल कुबरा बस एक चश्मे इनायात खदीजतुल कुबरा हूँ मुबतलाए बलियात खदीजतुल कुबरा हों तुझ पर लाखों दुरूदो सलाम या उम्मी हों तुझ पर लाखों दुरूदो सलाम या उम्मी हूँ हों तुझ पर सैकड़ों सलावात खदीजतुल कुबरा तेरे मकाम की रिफत को पा नहीं सकते तसव्वुरात व ख्यालात खदीजतुल कुबरा। अल्लाह ताला सय्यदा खदीजतुल कुबरा की तुर्बत पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए, आप जन्नतुल मुअल्ला में आराम फरमा है, और फ़कीर को कई बार इनकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह। आपकी खसूसियात कि आप खातून अव्वल यानी ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली कोई हस्ती है, वह हमारी माँ उम्मुल मुकमिनी हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा हैं सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा। और कुर्बान जाइए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की खसूसियात बयान की जाती हैं, और उम्महातुल मुकमिनीन में उनका भी एक मकाम है, कोई शक नहीं, हर एक का अपना मकाम है, सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए, वो भी हमारी माँ उम्मुल मुकमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा पर रश्क फरमाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि मेरे सरताज मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई बार 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 हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक फितरी तकाजा है, तो बार बार आपका जिक्र खैर होता, तो आप फरमाती कि मैंने एक दिन अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप ज़ईफ़ुल उमर खातून का जिक्र मौकूफ़ क्यों नहीं फरमा देते या कम नहीं करते, तो आपने फरमाया, आप हज़रत आयशा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, फरमाया ऐ आयशा खदीजा के मामले में मुझे तकलीफ़ ना दिया करो, जब सब ने मेरा इनकार किया तो खदीजा ने मेरा इकरार किया। अल्लाह। और आपकी खसूसियात में से कुर्बान जाइए कि उम्महातुल मुकमिनीन में जिसको सलाम अगर किसी को पहुँचा हो तो वो हमारी माँ उम्मुल मुकमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, और हज़रत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि कुर्बान जाइए कि मैं कहता हूँ कि हमारी ख़वातीन को इनको आइडियल बनाना चाहिए, बल्कि 10 रमज़ान जो है वो मदर डे हो, यानी कि माँ का दिन, क्या दिन, बिल्कुल। तो 10 रमज़ान मुबारक, क्योंकि आपका वो किरदार रहा है कि कुर्बान जाइए कि बाहसियत जोजा आपका किरदार मिसाली है, बाहसियत एक माँ आपका किरदार मिसाली है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम के अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद हैं ये शरफ़ भी हज़रत खदीजतुल कुबरा को मिला कि कसरत से जो औलाद है वो आपके बतन मुबारक से हुई। सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाइए कि हज़रत खदीजतुल कुबरा एक अरब ताजिरा होकर, मालदार होकर, एक आली मनसब वाली होकर, आप खुद
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर फिदा हैं कि खुद आपके लिए खाना तैयार करना, जौ का पानी, जौ की रोटी बनाना और गारे हिरा तक चल कर जाना। आज मैं और आप अगर हज पे जाएं, अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, आदमी सोचता है कि गारे हिरा तक कैसे चलेगा, और आप का खुद वहाँ के चल जाना और फिर अल्लाह को ये अमल इतना महबूब होना कि महबूब खुदा पर फिदा होने पर कि जिब्रील अमीन आपसे पहले हाजिर हों और अर्ज़ करें रसूलल्लाह खदीजा आ रही है, अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है। तो हज़रत खदीजा कुबरा एक मिसाली, एक अजीम शख्सियत के हामिल, अल्लाह ताला उनकी तुर्बत पर अनवारों तजल्लियात की बारिश फरमाए, उनके सदके हमारी बहनों और बेटियों पर अल्लाह रहमत की निगाह फरमाए। अल्लाह करे कि हज़रत खदीजा कुबरा के नाम पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कायम हो, कॉलेज कायम हो, अल्लाह करे इनके नाम से लाइब्रेरी हो। तो ये काम भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, मेरी गुजारिश। सुभान अल्लाह। और ये अकीदत भी है इस उम्मत की अपनी माँ से कि बहुत ज़्यादा नाम हम देखते हैं बच्चियों का, खदीजा रखा जाता है, क्या खूबसूरत नाम है, सभी नाम बहुत प्यारे हैं। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।